ये देखिए गन्ने की पत्ती है, मैं आपको बता दूं ऐसे गन्ने की पत्ती लगी होती है, और ये जो सतह होती है ये निचली सतह, और ये देखिए क्या है ऊपरी सतह है। तो यही जो निचली सतह है इसी में ये मिड वेन के इधर उधर अंडे क्या करती है देती है, और रो में अंडे देती है, लाइन में, लॉन्गिट्यूडिनल रो में, यानी कि इसकी लाइन ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे लाइन नहीं रहेगी, उस इस तरह से लाइन रहेगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल रोज में ये एग लेइंग करती है। और एक जो होती है एक बार में, यानी कि एक सतह पर जो है एक फीमेल 300 से 500 एग लेइंग करती है, यानी 300 to 500। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में, आप देख रहे हैं JSR क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे शुगर कैन लीफहॉपर। तो क्या है शुगर कैन लीफहॉपर और आपके सिलेबस में कहां पर दिया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको बोर्ड पर सेट भी किया है, और फिगर कैसे ड्रा करना है ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लास्ट तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं शुगर कैन लीफ हॉपर है क्या। तो शुगर कैन लीफ हॉपर एक प्रकार का इंसेक्ट है, जैसा कि इस नाम से पता चल जा रहा है लीफ हॉपर। इसके पहले एक आप एक नाम ऐसा ही सुने हैं ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर मीन्स क्या होता है, टिड्डा या टिड्डी जो घास की पत्तियों को डैमेज करता है। तो इसका भी नाम है लीफ हॉपर यानी पत्ती को डैमेज करेगा, लेकिन इसके पहले एक नाम जुड़ा है शुगर कैन यानी कि गन्ने की पत्ती को डैमेज करेगा। तो यह एक प्रकार का इंसेक्ट है, जैसे टिड्डा होता है उसी तरह से यह भी होता है, साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, उसका कलर एकदम ग्रीन होता है, इसका कलर हल्का पीला होता है, तो उससे यह थोड़ा सा डिफर है, लेकिन है यह भी एक प्रकार का इंसेक्ट जो गन्ने की पत्ती को डैमेज करता है, यानी जो शुगर कैन की क्रॉप लगाई जाती है उसको डैमेज करता है। तो नॉर्मली आपने ये समझ लिया कि इंसेक्ट है और यह गन्ने की पत्ती को डैमेज करता है, इतनी बात तो आपने समझ लिया, इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में बता रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि आपके सिलेबस में कहां पर दिया है। तो दोस्तों जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का यूनिफाइड सिलेबस है उसमें बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में दिया गया है। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो हो सकता है सिलेबस में कहीं इधर उधर कर दिया हो, अगर है सिलेबस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप अपने सिलेबस से मिला लीजिए। अब आइए देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो दोस्तों देखिए मेरे हाथ में ये अनसॉल्व है, क्वेश्चन कैसे पूछा है बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पूछा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल डैमेज एंड कंट्रोल ऑफ शुगर कैन लीफ हॉपर, यानी कि जो शुगर कैन लीफ हॉपर है इसकी लाइफ साइकिल दिखाइए, और यह डैमेज करता है कैसे ये भी बताइए, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए यह भी बताइए। तो तीन चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया। सबसे पहली चीज़ पूछा है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो शुगर कैन लीफ हॉपर है यह मैथुन कैसे करता है, यानी कॉपुलेशन कैसे करता है, और कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एग कहाँ देता है, कितने एग देता है, इसके एग किस कलर के होते हैं, एग के बाद फिर निम्फ कितने दिन में निकलते हैं, निम्फ कैसा होता है, क्या निम्फ भी सेल सैप को सक करता है यानी गन्ने की पत्ती को जूस को चूसता है, फिर इसके बाद निम्फ से एडल्ट कैसे बनते हैं, कितने दिन में बनते हैं, किस सीजन में बनते हैं, और फिर जो एडल्ट होते हैं उसकी लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है, वो फिर मैच्योर होकर के एडल्ट होकर के कब फिर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये सारी डिटेल आपको लाइफ साइकिल में देना होता है, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, अभी हम इस फिगर को आगे समझा रहे हैं। तो ये है लाइफ साइकिल, आपको ये बताना रहेगा, फिर बताना रहेगा कि ये एडल्ट या निम्फ जो भी हैं ये गन्ने की पत्ती को डैमेज कैसे करते हैं, क्या ऐसा कर देते हैं कि गन्ने की पत्ती डैमेज हो जाती है, और डैमेज हो जाती है तो पत्ती किस रंग की हो जाती है, क्या प्रभाव पड़ता है गन्ने पर, और लास्ट में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इन समस्या से गन्ने की पत्ती को डैमेज होने से रोकने के लिए, इस पेस्ट से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये सारी डिटेल आपको एक ही क्वेश्चन में पूछ देता है। तो जैसे पूछा है बिल्कुल वैसे मैंने इसको बोर्ड पर सेट किया है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स कम है, तो नोट्स कम नहीं है, इसको मैंने अरेंज कर दिया, अभी जैसे देखिए फिगर है इसको मैंने एक कोने में अरेंज कर दिया, तो आप अपनी कापी के पेज पर कोने में मत अरेंज करिएगा, ये फिगर बड़ा सा एक पेज में पूरा ड्रा करिएगा, एक पेज में आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर, ये सारी
सारी चीज़ें एक पेज में हो जाएगा। फिर इसकी लाइफ साइकिल इतना है, अभी इसके बाद भी लाइफ साइकिल है, डैमेज है, प्रिवेंशन कंट्रोल है, सारी चीज़ें मिला करके एक बड़ा सा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अरेंज किया है कम से कम में, तो आपको कम लग रहा है, एक कम नहीं है। स्क्रीन शॉट अभी लेने के लिए हम आपको कहेंगे, इसको आप कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। समझाना क्या है वो मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कैसे क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस में कहाँ पर है और इंसेक्ट ये क्या है, ये आपने समझ लिया। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शुगर कैन लिफाफर का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना पड़ेगा, मेजर हेडिंग शुगर कैन लीफ हॉपर, और इसको फिर डैश देकर सामने लिख देना रहेगा पायरिला परपुसिल्ला, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम है पायरिला परपुसिल्ला, और इसका कॉमन नेम जिस नाम से हम सभी अपने एरियाज में जानते हैं इसका नाम क्या है, शुगर कैन लीफ हॉपर, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका साइंटिफिक नेम यानी कि जूलॉजिकल नेम है। इतना लिखने के बाद आप फिर नीचे हेडिंग डालेंगे सिस्टमैटिक पोजिशन, हालांकि यह कहकर नहीं पूछता कि सिस्टम पोजीशन भी बताइए, हैबिट हैबिटेड बताइए, लेकिन अगर आप लॉन्ग में लिख रहे हैं तो ये डिटेल देना आपको जरूरी होता है। तो देखिए इसका कितना आसान है सिस्टमैटिक पोजीशन, शायद आपको ये कई बार में याद हो जाएगा। तो देखिए इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ये दोनों चीज़ें आपको ये कई बार में याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट हैं जितने भी कीट हैं सबको आर्थ्रोपोडा में रखा गया, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, और फिर इसके बाद क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट है इस बात से पता चल जा रहा है कि क्लास क्या है इसका, इंसेक्टा। बस एक ही शब्द आपको याद करना है, क्या, हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा आप याद कर लेंगे तो फिर इसका जीनस पायरिला है जैसा कि यहाँ आपने देखा था, और स्पीसीज परपुसिला है यह भी आपने यहाँ पर देखा है। तो कुल मिला जुला करके आपको एक ही शब्द याद करना है, हेमिप्टेरा। दो तीन बार मैंने कह दिया, शायद आपको याद भी हो गया होगा हेमिप्टेरा। तो बिल्कुल आसान है इसका क्लासिफिकेशन, फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, आर्डर हेमिप्टेरा, जीनस पायरिला, स्पीसीज परपुसिला, कितना आसान है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन आपको याद हो गया, अब जब सिस्टमैटिक पोजीशन लिख लेंगे तब आप हेडिंग डाल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हेडिंग डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नाम से पता चल जा रहा है वितरण, यानी कि ये कीट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, शुगर कैन लीफ हॉपर इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया। देखिए कितना आसान सा सेंटेंस है कि शुगर कैन लीफ हॉपर कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सामान्यतः यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत वर्ष भर में, यानी कि ये इंसेक्ट पूरे भारत भर में पाया जाता है, निश्चित इसका कोई प्रदेश नहीं है, पूरे भारत भर में ये इंसेक्ट पाया जाता है। फिर आपको लिख देना है द ग्रेट लॉस। देखिए भारत भर में तो पाया जाता है लेकिन हर जगह लॉस करने की, इसकी जो लॉस डिस्टर्बेंस है इसके द्वारा वो हर जगह बराबर नहीं है। तो ग्रेट लॉस, देखिए द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट इन यूपी एमपी महाराष्ट्र, यानी कि तीन प्रदेश यानी भारत के तीन राज्य इससे पूरी तरह से इन्फेक्टेड, मतलब अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आप इसे याद रखिएगा, यूपी एमपी महाराष्ट्र। और फिर आपको क्या लिखना है, इन यूपी, देखिए आप तो ये बता दिए कि पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है लेकिन भारत के किन किन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब भारत के किन प्रदेशों में, तो उसमें यूपी भी आ गया। अब यूपी के किन जिलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है, तो देखिए इन यूपी दिस पेस्ट इज मेनली डैमेज द क्राप इन मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यानी उत्तर प्रदेश के तीन ज़िले हैं मेरठ और फिर क्या है मुजफ्फरनगर और फिर क्या है सहारनपुर, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो देखिए आप लोग ये समझ गए हैं कि सबसे पहले ये बता देना है कि पूरे भारतवर्ष भर में पाया जाता है, फिर आपको बता देना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, और फिर बता देना कि उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तीन ज़िले में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो बहुत ही आसान सा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसे लिख सकते हैं एग्जाम में बहुत आसानी से। इसके बाद फिर आ जाती है बात हैबिट एंड हैबिटेट की,
तो देखिए इसका हैबिट एंड हैबिटेट भी आसान है, क्योंकि अभी अभी आपने सुना है कि ये गन्ने की पत्ती को डैमेज करता है। तो हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब क्या होता है, वास स्थान एवं स्वभाव, यानी कि कहाँ पाया जाता है और इसका स्वभाव कैसा है। तो जब गन्ने की पत्ती पर पाया जाता है और गन्ने की पत्ती को पत्ती के सेल साहब को चूस जाता है, तो इसका ऑलरेडी आप समझ गए कि इसका वास स्थान एवं स्वभाव क्या है। गन्ने की पत्ती पर पाया जाना वास स्थान, और गन्ने की पत्ती के जूस को सक कर जाना इसका क्या है, स्वभाव है। तो देखिए यहाँ पर वही आपको लिख देना है, पायरिला इज मेजर पेस्ट ऑफ शुगर कैन, यानी कि पायरिला जो है ये मेजॉरिटी में, मेजर मतलब मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पेस्ट है, किस पर, शुगर कैन यानी कि गन्ने पर। लेकिन 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 सिर्फ गन्ने की पत्ती को ही इफेक्ट नहीं करता है, गन्ने की पत्ती को ही डैमेज नहीं करता, और कई क्रॉप हैं। देखिए यहाँ पर नाम क्या है, बट इट इज ऑल्सो अटैक फीट बार्ली, या और किस पर अटैक करता है, फीट यानी कि गेहूं पर, बार्ली यानी कि जौ पर, बाजरा जो आप लोग जानते हैं बाजरा, मिलेट, और फिर इसके बाद ओएट जई, गेहूं के फसल के साथ जई भी उग जाती है जिसे किसान उखाड़ करके फेंक देता है। हालांकि अब इसका यूज नहीं रह गया है, लगभग सामान्यतः इसको उखाड़ करके फेंक ही दिया जाता है। तो ओएट पर भी यह पाया गया। ये तो है गन्ने के अलावा जिस पर ये पाया गया, यानी गेहूं, बार्ली, जौ एंड ओएट। लेकिन अब भी नहीं, इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ सब्जियों पर भी ये इंसेक्ट पाया गया। कौन, शुगर कैन लीफ हॉपर, नाम शुगर कैन लीफ हॉपर है, लेकिन देखिए इसका स्वभाव क्या है कि शुगर कैन लीफ हॉपर पर ही नहीं पाया जा रहा है। अभी आपने देखा गेहूं पर, बार्ली पर, बाजरा पर, ओएट पर, इन सब पर पाया जा रहा है, लेकिन इससे भी नहीं। अभी इसके अलावा किस पर पाया जा रहा है ये देखिए, आप देखिए यहाँ लिख देंगे, फिर सम टाइम दिस पेस्ट इज आल्सो फाउंड ऑन भिंडी, करेला एंड कॉलीफ्लावर। देखिए भिंडी क्या है, एक सब्जी, इस पर भी पाया जा रहा है, करेला भी सब्जी, इस पर भी पाया जा रहा है, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी पर भी ये पाया जाएगा। तो ये है इसका हैबिट एंड हैबिटेट, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पाया जाता है। तो दो हेडिंग पूरी तरह से क्लियर हो गई, कितनी आसान, डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान, हैबिट एंड हैबिटेट भी आसान। अभी आप इसे स्क्रीन साठ के द्वारा कॉपी पर जब लिख कर पढ़ेंगे तो आपको और एकदम आसान सा लगेगा, हिंदी से भी आसान है। फिर देखिए स्ट्रक्चर, अगली हेडिंग फिर आप डालेंगे स्ट्रक्चर, तो इसमें लिख देंगे द एडल्ट इंसेक्ट इज लाइट येलो इन कलर, जो एडल्ट इंसेक्ट होता है लाइट येलो यानी हल्के पीले कलर का होता है। फिर आप लिख देंगे एंड वेरी एक्टिव, हल्के पीले कलर का होता है और बहुत ही एक्टिव होता है, अगर आप उसको पकड़ना चाहें तो तुरंत फुर्दे आगे चला जाएगा, मतलब कि ये आगे बढ़ जाएगा, बहुत एक्टिव होता है। फिर क्या है, द बॉडी लेंथ इज अबाउट 8 to 10 mm, इसकी जो बॉडी लेंथ होती है वो 8 से 10 mm होती है। द हेड इज प्रोलॉन्गेटेड एंड इंटीरियरली इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हेड होता है सामान्य हेड की तरह से नहीं होता जैसे हम लोगों का हेड है, इसका हेड प्रोलॉन्गेटेड, देखिए प्रोलॉन्गेटेड आगे की तरफ देखिए उभरा हुआ है कि नहीं, पियर्सिंग टाइप का है, पियर्सिंग का मतलब चुभोने लायक होता है। ये पत्ती में अपने ये प्रोबोसिस को यानी कि हेड को चुभो देगा, ये जो आगे निकली हुई नुकीली सी स्ट्रक्चर है, स्नाउट क्या कहेंगे, स्नाउट की तरह से जो स्ट्रक्चर है ये आगे बढ़ी हुई, सामान्य हेड की तरह से नहीं है, ऐसी बनी हुई कि ये पत्ती में चुभ हो सके और वहाँ से उसके सेल सैप को यानी सेल के जूस को चूस सके, ऐसा इसका माउथ है। तो इसीलिए कहा गया है हेड इज प्रोलॉन्गेटेड यानी कि आगे की तरफ इलांगेटेड होता है, इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर यानी स्नाउट की तरह से स्ट्रक्चर बना लिया है। फिर इसके बाद इट हैज प्रोमिनेंट रेड आई, अब देखिए प्रोमिनेंट का मतलब क्लियर, जब इंसेक्ट देखेंगे तो आप सबसे पहले उसकी आँख ही आपको सामने नजर आएगी, तो इसको कहते हैं प्रोमिनेंट यानी कि क्लियर एकदम दिखाई देने वाली, डोमिनेंट एकदम प्रभावी, तो इसकी रेड आई भी है दो, जो क्लियर आप जब इंसेक्ट को देखेंगे तो क्लियर ये दिख जाएगी। फिर आपको क्या लिख देना है, ए पेयर ऑफ व्हाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेसेस आर आल्सो फाउंड, एक जोड़ी इसके पास एनल प्रोसेसेस पाया जाता है व्हाइट कलर का, यानी कि एनल प्रोसेसेस, एनल का मतलब एनस के पास का और प्रोसेसेस का मतलब प्रवर्ध, इसके टेल वाले रीजन में यानी कि पूछ वाले सबसे पीछे वाले पोर्शन में क्या होता है, एनल प्रोसेसेस पाया जाता है, एनल प्रवर्ध पाया जाता है एक जोड़ी व्हाइटिश कलर का। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, यह भी देखिए कितना आसान है, कलर बता देना है, ज़्यादा एक्टिव होता है ये
बता देना है, इसका प्रोलोंगेटेड होता हेड यह बता देना है, और इसके एनल रीजन में एक जोड़ी प्रवर्ध पाया जाता है यह बता देना। तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, नॉर्मली आप इसकी स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। ये देखिए इसका प्रोलोंगेटेड हेड है यानी इलांगेटेड, और दो आई है, एंटीनी है, और जो है इसके थ्री पेयर लेग होते हैं इंसेक्ट में। नॉर्मल बात है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि इंसेक्ट में थ्री पेयर लेग्स पाए जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। हालाँकि आप लिख देंगे तो गलत भी नहीं होगा, लेकिन हमने इसका स्पेशल कैरेक्टर ही लिखा है जो पर्टिकुलर इसी के लिए है। आप लिखने के लिए तो लिख सकते हैं इसके थ्री पेयर इसके लेग्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। ये देखिए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट, और फिर स्ट्रक्चर। अब आइए हम आपको बता देते हैं इसकी लाइफ साइकिल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैंने और ही आसान तरीके से लिखा हुआ है। देखिए अभी आपको याद होने वाला है लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको फिगर में समझा दूं, तब आप और जल्दी समझ पाएंगे। देखिए फिगर में सभी लोग देखिए, ये इंसेक्ट है। अब चाहे इसको मेल आप समझ सकते हैं या फीमेल, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता। फीमेल हल्की सी बड़ी होती है, मेल हल्का सा छोटा होता है। तो कपुलेशन के समय मेल जो होता है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा फीमेल के जेनाइटल पोर में, फीमेल की बॉडी के अंदर यानी जेनाइटल पोर के द्वारा क्या करता है, स्पर्म छोड़ देता है। यानी सीधा सीधा समझिए, जो मेल होता है वह अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में छोड़ देता है, और फीमेल की बॉडी में पहले से ओवम बने रहते हैं, वहाँ पर हो जाता है फर्टिलाइजेशन। अब कॉपुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यानी मैथुन हुआ, और निषेचन हुआ। अब इसके बाद फिर बात आती है एग लेइंग की, तो फीमेल इसके बाद फिर एग लेइंग करना शुरू कर देती है, यानी कि अंडे देना शुरू कर देती है। बात आती है अंडे देती कहाँ है, तो अंडे जो है ये गन्ने की पत्ती पर देती है, और स्पेशल तो ये है कि निचले सतह पर देती है। ये देखिए गन्ने की पत्ती है, मैं आपको बता दूं ऐसे गन्ने की पत्ती लगी होती है, और ये जो सतह होती है ये निचली सतह, और ये देखिए क्या है ऊपरी सतह है। तो यही जो निचली सतह है इसी में ये मिड वेन के इधर उधर अंडे क्या करती है, देती है, और रो में अंडे देती है, लाइन में, लॉन्गिट्यूडिनल रो में, यानी कि इसकी लाइन ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे लाइन नहीं रहेगी, उस इस तरह से लाइन रहेगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल रोज में ये एग लेइंग करती है। और एक जो होती है एक बार में, यानी कि एक सतह पर जो है एक फीमेल 300 से 500 एग लेइंग करती है, यानी 300 to 500। तो आपने ये समझ लिया कॉपुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और इसके बाद फिर एग लेइंग कर दी। अब एग जो है यहाँ पर देखिए डेवलप टाइप का थोड़ा जूम करके दिखाया गया है, तीन एग, यानी एग जो है इसके सामान्यतः ओवल होते हैं, कोई इसका स्पेशल शेप नहीं है, एग है तो एग की तरह से है ओवल, यानी जैसे मुर्गी का अंडा होता है, हालाँकि उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपको पता है इंसेक्ट है, बहुत छोटे छोटे एग लेइंग करता है। अब फिर क्या है, ये एग जो हैं देखिए 300 से 500 एग हैं, और ये जो एग हैं 7 से 22 दिन में फूट करके, यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया है कितने दिन में, तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो 7 से 22 दिन में ये जो एग हैं हैच करके निम्फ बना लेते हैं। निम्फ क्या है, एक लार्वा है, एक लार्वल कंडीशन है जो एडल्ट से पूरी तरह से भिन्न होती है। निम्फ एक लार्वा है ये आप जानते हैं, लेकिन लार्वा क्या है, एक स्टेज है। जैसे अभी मनुष्य में देखा जाए तो लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, चाहे मनुष्य का एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, दोनों एकदम सेम दिखते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा होता है ऐसे एडल्ट भी होता है, उसमें कोई अंतर नहीं, हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ बराबर होते हैं और बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं या और कई प्राणी हैं जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, जो जो इसका चाइल्ड होता है यानी बच्चा होता है, जो एग हैच करके निकलता है, वो एडल्ट से पूरी तरह भिन्न होता है, लेकिन वो डेवलप करके फिर बाद में एडल्ट बन जाता है। तो यही जो स्टेज होती है एडल्ट से भिन्न, वही लार्वा है, और इस लार्वा को क्या कहते हैं, निम्फ कह देते हैं। तो यही देखिए निम्फ है जो एग हैच करके निकला है। एग कितने दिन में हैच करता है, 7 से 22 दिन में। ये बात मैंने गर्मी के लिए लिखा है, यानी कि नॉर्मल सीजन के लिए, अगर तेज ठंड है तो ये एग हैच करने का डेट बढ़ सकता है, 22 से 25-30 दिन भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए ये जो निम्फ है ये 6 to 8 वीक यानी कि 1.5 से 2 महीने में फिर ये 5 माउल्टिंग के बाद यानी 5 बार ये अपनी बॉडी में परिवर्तन करके ये निम्फ जो है एडल्ट में चेंज हो जाता है। इसके लिए 1.5 से 2 महीने यानी 6 to 8 वीक लगता है। ये टाइम भी इंक्रीज हो सकता है, अगर तेज ठंडक है तो कभी कभी तो निम्फ से एडल्ट बनने में 4 महीने लग जाते हैं। तो फिर देखिए एडल्ट बन गया, और जब एडल्ट बन जाएगा तो फिर यह जो है कॉपुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एग लेइंग, और फिर जो है
निम्फ, एडल्ट, ऐसे ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये तो आपने फिगर समझ लिया, लेकिन फिगर समझने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको बना करके लिखना थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बना बनाया इस बोर्ड पर सेट कर दिया हूँ, देख लीजिए और इसे याद कर लिए, एग्जाम में सिर्फ आपको छाप देना रहेगा। तो देखिए क्या है, आपको लिखना कैसे है, तो शुरू में आप लिख देंगे इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर। इससे क्या पता चला कि इसकी कोई समय सीमा नहीं, ऐसा नहीं कि जनवरी में एक लेइंग करती फरवरी में, ये पूरे वर्ष भर ब्रीडिंग करते रहते हैं। तो पहली लाइन में आपको यही बता देना है कि इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, द फीमेल लेज एग्स इन क्लस्टर। ये देखिए जो फीमेल होती है ये एग लेइंग करती है क्लस्टर में, क्लस्टर का मतलब एक अकेले 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 एग नहीं देती, एक ही साथ कई एक देती है। तो देखिए फीमेल लेज एग्स यानी फीमेल अंडे देती है, इन क्लस्टर का मतलब झुंड में, गुच्छे में। अब कितने एग देती है, 300 से 500 यानी 300 to 500 एग, यानी कि इतने अंडे ये एग लेइंग करती है, जैसा कि मैंने अभी लाइफ साइकिल में ही आपको बता दिया है। फिर देखिए क्या है, इट इज फाउंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, जो एग्स होते हैं वो लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स यानी कि पत्ती की निचली सतह पर। देखिए पत्ती में ये जो सतह है नीचे वाली, इसी पर एग लेइंग ये करती है कौन, फीमेल। फिर इसके बाद देखिए क्या है, एक बात आप यहाँ पर याद रखिए कि ये जो एग लेइंग निचली सतह पर करती है ये गर्मी के लिए कहा गया, अब ठंडी के लिए इसकी भी बात स्पेशल है कि ये निचली सतह पर ठंडी के सीजन में एग लेइंग नहीं करेगी। ठंडी के सीजन में इसकी जो नीचे की लीफ शीथ होती है यानी कि लोअर सरफेस की जो सबसे नीचे की मेम्ब्रेन होती है पत्ती की, उसी मेम्ब्रेन के अंदर एग लेइंग करती है, यानी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसी के अंदर एग लेइंग कर देती है फीमेल। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि गर्मी में एग लेइंग कहाँ करती है और ठंडी में एग लेइंग कहाँ करती है, इसलिए स्पेशली मैंने पत्ती रखा है ताकि आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। तो एग लेइंग हो गया, और फिर इसके बाद क्या है, द एग्स आर ओवल, एग्स जो इसके होते हैं अंडाकार, हालांकि जब अंडा है तो अंडाकार रहबे करेगा, लेकिन कुछ अंडे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, सामान्यतः जैसे एग होते हैं उसी तरह से इसका एग होता है। कलर क्या है ये देख लीजिए, शाइनिंग, हाँ ये भी याद रखिए शाइनिंग होती है इसके एग में, एंड ग्रीनिश इन कलर, और थोड़ा हल्के कलर का इसका एग होता है। तो एग कैसा है, कितना है, किस कलर का है, ये डिटेल आपने देख लिया। अब क्या करना है, द क्लस्टर ऑफ एग्स आर अरेंज्ड इन 3 to 5 लॉन्गिट्यूडिनल रोज। अब देखिए जो क्लस्टर ऑफ एग होते हैं ये अरेंज होते हैं, सेट होते हैं 3 to 5 यानी कि 3 से 5 लॉन्गिट्यूडिनल रोज यानी कि लंबाई की पंक्ति में, लॉन्गिट्यूडिनल रोज में एग सेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे जो है बिखरे हुए होते एक लाइन में, हालांकि इतना लाइन भी नहीं, उनके पास स्केल तो है नहीं कि मतलब स्केल से रख के अंडे देंगी, ऐसा नहीं है, वो एक लाइन से एग होते हैं, आप देखेंगे तो लगेगा कि लाइन से है और होता है ऐसा। फिर इसके बाद देखिए क्या है, कंटेनिंग 40 to 50 एग्स। अब देखिए ये बताया गया है कि एक लाइन में कितने एग होते हैं, तो एक लाइन में 40 से 50 अंडे होते हैं, 3 से 5 लाइन होती है और 40 से 50 अंडे होते हैं एक लाइन में, टोटल एग कितने होते हैं, 300 से 500 एग। तो ये आप जो है संख्या याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, द एग्स आर हैच इंटू निम्फ, एग जो होता है वो निम्फ में हैच कर जाता है, अभी फिगर में आपने देखा है, आफ्टर 7 to 22 डेज यानी कि 17 से 22 दिन में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो 17 से 22 दिन में जो एग होते हैं वो हैच करके निम्फ में चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ऑफ लेइंग अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये बात मैंने पहले भी बता दिया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार 7 से 22 दिन में फूटता है, अगर ठंडी है तो ये 22 दिन में फूटने वाला नहीं है, ये और भी बढ़ सकता है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार एग हैच करता है। अब आपको फिर आगे क्या लिखना है, द निम्फ आर डर्टी व्हाइट इन कलर, जो निम्फ होता है वो डर्टी व्हाइट कलर का होता है, यानी कि पूरी तरह से व्हाइट नहीं होता है, जैसे कपड़े उपड़े व्हाइट कलर के कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या है डर्टी व्हाइट, उसी तरह से इसके जो निम्फ होते हैं वो डर्टी व्हाइट कलर के होते हैं, एकदम दूध जैसे सफ़ेद नहीं होते हैं। फिर है द निम्फ आर स्टार्ट टू सक द सेल सैप, अब देखिए जो एडल्ट होते हैं वो तो सेल सैप को सक करते ही हैं, लेकिन जो निम्फ होता है इसका भी माउथ सकिंग पियर्सिंग टाइप का होता है, यह भी अपना माउथ पत्ती के अंदर चुभो देता है और सेल के सैप को सक कर जाता है यानी कि चूसने लगता है, तो एडल्ट भी सैप को सक कर रहा है और निम्फ भी
जो है सैप को शक कर रहा था, यानी कि सेल के जूस को दोनों निम्फ और एडल्ट मिल करके शक कर रहे हैं। फिर है आफ्टर 6 to 8 weeks, यानी कि 6 से 8 सप्ताह में जो निम्फ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू किस में, एडल्ट में, यानी कि आफ्टर 6 to 8 weeks निम्फ चेंज इनटू एडल्ट। ये निम्फ जो होते हैं 6 से 8 सप्ताह में चेंज हो जाते हैं किस में, एडल्ट में। अब इसमें थोड़ा सा लाइफ साइकिल बाकी है, आगे मैं फिर इसके बाद बता रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और फिर मैं इसके बाद बता रहा हूँ बाकी का बचा हुआ। अभी डैमेज बचा है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अभी अभी मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा इसका जो निम्फ होता है वो 6 to 8 weeks में, यानी कि 6 से 8 सप्ताह में एडल्ट बन जाता है। तो यहाँ तक तो आपने लाइफ साइकिल समझ लिया था, और अब आपको ये बता देना है जो इसका एडल्ट होता है उसका, उसकी जो है लाइफ स्पेन कितना होता है, यानी कि जीवन काल कितना होता है। तो लास्ट में आपको ये भी लिख देना है, द लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट मेल इज 4 to 7 weeks। अब देखिए मेल फीमेल का लाइफ स्पेन भी अलग अलग है, लाइफ स्पेन का मतलब जीवन काल, तो जो मेल का जीवन काल होता है वो फीमेल के जीवन काल से थोड़ा सा कम होता है लाइफ स्पेन। तो देखिए द लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट मेल इज 4 to 7 weeks एंड दैट द फीमेल 5 to 8 weeks। तो इसका जो मेल की लाइफ स्पेन जो होती है वो 4 से 7 सप्ताह होती है और फीमेल की 5 से 8 सप्ताह होती है। इसके बाद फिर आपको सबसे आखिरी में बता देना है कि इन मानसून सीजन द होल लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 40 to 60 days, यानी कि मानसून सीजन में इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो 40 से 60 डेज में, यानी कि ये समझिए कि 2 ही महीने में लगभग समाप्त हो जाती है अगर इसके लिए फेवरेबल सीजन है तो। और सबसे लास्ट में आपको ये बता देना है 4 generations in 1 year, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक साल में इसकी 4 जनरेशन समाप्त हो जाती है। कई ऐसे प्राणी कि एक साल में उनकी एक भी जनरेशन नहीं समाप्त होती, लेकिन इसका एक साल में 4 जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लाइफ साइकिल समझ गए, तो इतना लाइफ साइकिल में लिख देना है। और दूसरी बात पूछा था क्वेश्चन में डैमेज, तो अब आपको बता देना है कि डैमेज कैसे करता है। तो अब डैमेज करने की कहानी भी स्पेशल है इसकी, देखिए क्या है, बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप, यानी बोथ का मतलब दोनों कौन निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप को सक कर जाते हैं। फिर क्या होता है, ऑफ लीफ यानी पत्ती के, ऑफ सुगर कैन यानी कि गन्ने की पत्ती को, बाई देयर रोस्ट्रम, किससे, इसके रोस्ट्रम से, इनके आगे जो रोस्ट्रम होता है, स्नाउट होता है, अभी आपने देखा था इसका रोस्ट्रम स्नाउट जो होता है सकिंग और पियर्सिंग टाइप का होता है, तो उसी से ये सेल सैप को चूस जाते हैं, किसके, गन्ने की पत्ती को। और फिर क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, इसके परिणाम क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप द लीव्स टर्न पेल येल्लो, जो इसकी लीफ होती है वो टर्न यानी बदल जाती है, पेल येल्लो का मतलब हल्के पीले कलर में। फिर है एंड ड्राई अप, और पीले कलर में होने के साथ साथ सूख भी जाती है। ये देखिए, ये जो है पूरी तरह से इन्फेक्टेड लीफ है, यहाँ पर देखिए इन्फेक्शन है और इसकी लीफ धीरे धीरे सूखने लगी है और हल्के पीले कलर में हो गई है। तो इस तरह की पत्तियाँ हो जाती है किसकी, गन्ने की। इसके अलावा इतना ही नहीं, अब डैमेज का असली कमाल तो ये है, देखिए कैसे डैमेज करता है, ये अपनी जो है बॉडी से क्या छोड़ता है, हनी छोड़ता है, एक प्रकार का हनी ड्यू। हनी ड्यू क्या, हनी का मतलब शहद जैसा या शहद, ड्यू का मतलब बूंद की तरह से, ड्यू मतलब ओस होता है, तो ये बूंद में हनी छोड़ता है जो हल्का मिठास होता है, जिससे क्या होता है कि इन पत्तियों पर जब छोड़ देता है तो पत्तियों पर फंजाई अटैक करते हैं इस मिठास की वजह से। अब जब फंजाई अटैक कर दिए तो लीफ और भी डैमेज हो गई, पूरे पत्ती पर फंजाई लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका क्लोरोफिल पूरी तरह, पहले तो गायब हुआ ही रहता है, इसके बाद जब फंजाई अटैक कर दिए हनी के कारण, हनी भी छोड़ दिए और फंजाई अटैक कर गए, तो पत्ती का जो कलर है
ग्रीन कलर ये पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी कि क्लोरोफिल इसका क्या हुआ, गायब। जब क्लोरोफिल गायब हुआ तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो शुगर नहीं बनेगा, तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि नुकसान होगा ही होगा। देखिए कितनी कमाल की बात है, खुद को नुकसान किया और कुछ ऐसा छोड़ दिया कि फंजाई भी आकर के इसको नुकसान किए, स्पेशल है पूरी तरह से। तो इस तरह से गन्ने का लगभग 30 कहीं कभी कभी तो 40% तक नुकसान हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा है। अब इतना तो हो गया डैमेज में, यानी कि डैमेज में आप इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सबसे आखिरी बात आपको ये बताना होता है और महत्वपूर्ण होता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि इसको कैसे रोका जाए, यह भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रोका कैसे जाए। तो देखिए इसमें पॉइंट वाइज मैंने बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिख देना है, द एग्स शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग। एग्स शुड बी कलेक्टेड, एग को कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब एक एक एग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि इससे आसान है कि जिस पत्ती पर एग लेइंग किया गया है उस पत्ती को ही आप तोड़ लीजिए गन्ने से और उसको कलेक्ट करके बर्निंग कर दीजिए, यानी कि जला दीजिए, जिससे एग ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, न एग रहेगा, न निम्फ बनेगा, न एडल्ट बनेगा। इससे जब एडल्ट नहीं रहेंगे तो सेल सैप कौन करेगा। तो सबसे कारगर उपाय यही है कि पत्तियों को तोड़ करके और उसको जला दीजिए जो इन्फेक्टेड है, जिससे एग जो है मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय, जल जाएंगे। फिर क्या है, सेकेंड में आप लिखिएगा, द क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी वेल बैलेंस, द क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी वेल बैलेंस बैलेंस्ड इन द सॉयल। मिट्टी में जिसमें गन्ना उगाया जा रहा है, जिस खेत में, उसमें जो है नाइट्रोजन की क्वांटिटी को अगर लगातार बैलेंस किया जा रहा है तो इसका इन्फेक्शन यानी कि इस कीट का, इस इंसेक्ट का अटैक कम होगा। एक तीसरा भी देखिए क्या उपाय है, द रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ शुगर कैन शुड बी टेकन। देखिए यह भी एक अच्छा उपाय है कि आप ऐसी वेराइटी लगाइए जिस पर इस कीट का प्रभाव ही ना पड़े, यानी कि ये कीट उस पर जो है अटैक ना कर पाए, गन्ने की वेराइटी ही चेंज कर दिया जाए, रेजिस्टेंस वेराइटी लाया जाए, प्रतिरोधक वेराइटी लाया जाए। इसके बाद फिर क्या है, रैतून क्रॉप्स शुड बी अवॉइड। रैतून एक प्रकार की प्रजाति है जिसको पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए, अगर वह रहेगा तो इस कीट का अटैक बहुत ज़्यादा होगा। फिर देखिए क्या है, द डस्टिंग ऑफ 5-10% BHC डस्ट, यानी कि जो BHC डस्ट होता है जिसे गैमेक्सिन कहा जाता है, इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो इसके डस्ट को जो है गन्ने के पौधे पर सितंबर माह में अगर इसका डस्टिंग किया जाए, छिड़काव किया जाए, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये कीट जो है इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि इसकी लाइफ साइकिल डैमेज कंट्रोल क्या होता है। तो मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए और प्यार से लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में।